जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र अंतर्गत मानगो हिल व्यू कॉलोनी के न्यू सुमन होटल के पास बिजली के तार टूटकर गिरने से चार झोपड़ी दुकान धू धू कर जलकर राख हो गई। बिजली के तार शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है, जिससे दमकल के मशक्कत से आग पर काबू पाया है। तब तक सभी दुकान जलकर राख हो गया है और इसमें रखे कई कीमती सामान के साथ आलू प्याज हरा सब्जी फल फूल और अन्य चीज़ें जलकर राख हो गई हैं और दुकानदार को लाखों का नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि अगर ये हादसा दिन में होता तो इससे भी बड़ा नुकसान हो सकता था। रात 12 बजे के कारण सभी दुकानदार दुकान बंद कर चले गए थे, तब ये हादसा हुआ है। एमजीएम थाना क्षेत्र का मामला है ये। झारखंड टाइम्स से अफरोज मलिक की रिपोर्ट। हम लोग जब यहाँ आए तब देखे हम लोग का यहाँ 5 दुकान था, एक ठो सब्जी दुकान, दो ठो फल दुकान, दो ठो फूल दुकान था। तो जब हम लोग आए तो देखे पूरा का पूरा जल के राख हो गया था, धो-धो के जल रहा था पूरा। हाँ, पूरा जल के, कुछ सामान नहीं बचा, एको सामान नहीं बचा, सबका सब जल गया। क्या क्या था सामान में? सामान में बहुत सारा सामान था, जैसे फल हो गया, सब्जी हो गया, और भी बहुत सारा दुकान का सामान था जो पूरा का पूरा आग में जल गया। हाँ, सब जल गया। कैसे हुआ ये? ये जो इलेक्ट्रिक का तार गया है वो तार नीचे गिर गया कुछ शॉर्ट सर्किट की वजह से, तो इसीलिए जल के पूरा राख हो गया। हाँ, तार मजबूत नहीं था, इसीलिए तार अगर ठीक रहता तो कुछ नहीं होता, तार मजबूत नहीं था। तो बहुत बड़ा हादसा। हाँ, हादसा बहुत, ऐसे में तो हुआ ही है, बहुत बड़ा ही हादसा हुआ है। तो सब, तो इतना सामान था, सब कुछ जल के राख हो गया, करीब करीब 1.5-2 लाख का सामान था। कोई आदमी नहीं था? नहीं नहीं, आदमी कोई नहीं था, हम लोग तो बंद करके जस्ट दुकान बढ़ा के ही गए थे, तो उसके बाद ही हुआ है। मेरा नाम देवव्रत है। कहाँ पर हुआ ये घटना? यही डिमना रोड नियर सुमन होटल के पास, जहाँ दुर्गा पूजा होता है, दुर्गा पूजा मैदान के सामने में। जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स डॉट लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।